देखिए पीछे पूरा समुंदर आपको दिख रहा है और देखिए उस तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है, बिकॉज गेटवे ऑफ इंडिया से। गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, आई होप आप लोग अच्छे हैं। गाइस देखिए मैं तैयार हो चुका हूँ और आज हम लोग जाने का प्लान किया है गेटवे ऑफ इंडिया। और आपको पता ही है गेटवे ऑफ इंडिया जो इंडिया का और मुंबई का सबसे फेमस और टूरिस्ट स्पॉट है, लोग वहाँ जरूर जाते हैं, कहीं जाए चाहे नहीं जाए बट गेटवे ऑफ इंडिया जरूर जाना है। तो हाँ गाइस हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाले हैं और गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे, आपको मैं गेटवे ऑफ इंडिया का पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ और प्लस मैं वो जो ताजमहल पैलेस होटल है वो भी मैं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से और थोड़ा सा सी भी दिखाऊंगा और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है ब्लॉग। तो फिलहाल अभी कर लेते हैं लंच और लंच करने के बाद चले हैं गेटवे ऑफ इंडिया। मीनाक्षी भी रेडी हो चुकी है और कैब भी हमारे पास आने वाली, मैं जल्दी कैसे कैब बुक कर दिया हूँ, मतलब फटाफट लंच कर लेते हैं, चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइस देखिए लंच में रेडी है और लंच में करने वाला हूँ आलू परवल की सब्जी, दाल फ्राई, कर्ड और मल्टीग्रेन रोटी। चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया के लिए निकल चुके हैं और देखिए हमारे साथ कौन है, हीरोइन चश्मा पहन के तो चलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और दिखाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का व्यू। शाम का टाइम है तो माहौल काफ़ी अच्छा होने वाला है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है, गर्मी ज़्यादा नहीं है, फिलहाल इतना समुद्र है उतना गर्मी लगेगा नहीं। गाइस देखिए हम लोग कुल्फी खाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं और कितना सुंदर लग रहा है गेटवे ऑफ इंडिया देखिए और कितना भीड़ है गाइस देखिए गेटवे ऑफ इंडिया में। मीनाक्षी मजे से कुल्फी खा रही है और हम लोग कुल्फी खाते हुए मजे ले रहे हैं। तो गाइस देखिए कितना सुंदर भव्य गेटवे ऑफ इंडिया, जो 20वीं सदी में इसको अंग्रेजों ने बनाया था, कितना खूबसूरत देखिए देखने में लगता है गेटवे ऑफ इंडिया और कितना ज़्यादा क्राउड है गाइस देखिए। मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ अच्छे से, ये देखिए गाइस ये गेटवे इंडिया पे इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, गेटवे इंडिया कब बना था, कैसे बना था, किसने बनाया था, एक एक चीज़ यहाँ हिंदी इंग्लिश में मेंशन किया गया है। तो जो भी यहाँ आता है आके आप पढ़ के सारी चीज़ें जान सकता है, इसको कुछ नहीं पता होगा। तो गाइस देखिए चलिए अब आपको हम दिखाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का चारों तरफ से व्यू, मैं पूरा घूम के आपको गाइस व्यू दिखाने वाला हूँ। ये पहले देखिए ऊपर से नीचे पूरा नज़दीक से अच्छे से दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत इमारत बना हुआ है, तो इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है गाइस। और ये आपको इसे पता ही है कि मुंबई का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लोग यहाँ पर तो आते ही इतना फेमस है गाइस गेटवे ऑफ इंडिया। तो देखिए मैं अब आपको चारों तरफ से घूम के हर एक कोने का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए कितना खूबसूरत और कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन करके बनाया गया है गाइस। इसकी इमारत देखिए कितना शानदार है गाइस, आप लोग देखिए, जो मुंबई में नहीं आएंगे तो मैं तुमको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मुंबई आइए और गेटवे ऑफ इंडिया को नज़दीक से देखिए और इसका अनुभव लीजिए कि गाइस कितना खूबसूरत गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है देखिए। और चारों तरफ से देखिए इसको मतलब बैरियर करके रखा गया ताकि कोई अंदर ना जाए और उसको डैमेज ना कर पाए, इसलिए इसका भी ख्याल रखा गया है और चारों तरफ से इसको प्रोटेक्शन दिया गया है। देखिए गाइस कितने सारे बोट्स वगैरह यहाँ खड़े हैं, देखिए सब लोगों को इसको बोटिंग करना होता है समुंदर में जाके, तो वो बोटिंग यहाँ करते हैं तो उसके लिए लोग लाइन लगा खड़े हैं देखिए। और मैं आपको समुंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है शाम के टाइम समुंदर, और बोट देखिए लोग चढ़ रहे हैं धीरे धीरे बोट्स में, जैसे मैंने आपको बताया सब लोग को बोटिंग करना होता है तो लोग टिकट लेके जाते हैं और बोट उनको दूर तक घुमा के लेके आता है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए कितना खूबसूरत व्यू है समुंदर का, ये अरेबियन सी है गाइस। तो देखिए ज़्यादा इसमें मतलब हाई टाइड वगैरह नहीं है तो पानी एकदम, देखिए गाइस और एक फेमस प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताजमहल पैलेस होटल गाइस, कितना खूबसूरत होटल है गाइस देखिए, इसी पे आतंकवादी ने हमला किया था, तो ये भी एक देखने लायक जो है आप बोल सकते हैं इसको, तो ये भी काफ़ी मशहूर है गेटवे ऑफ इंडिया सटा हुआ एकदम आमने सामने है गाइस, कितना खूबसूरत डिज़ाइन करके बनाया गया देखिए, एकदम बहुत ही खूबसूरत है गाइस ताजमहल पैलेस होटल।
देखिए गाइस गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी का भी स्टैचू बनाया गया है देखिए, और उसको माले से सजाया गया है। यहाँ पर मोदी जी का कुछ कल प्रोग्राम होने वाला है, तो वहाँ देखिए उसके लिए सब तैयारी वगैरह चल रही है। मोदी जी शायद कल आने वाले हैं, तो मैं आपको देखिए फिर से एक बार गेटवे ऑफ इंडिया का चारों तरफ से घुमा के व्यू देख रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना ज़्यादा क्राउड है गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखिए चारों तरफ से आपको व्यू दिखा रहा हूँ गाइस। फाइनली हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया से बाहर निकल रहे हैं और शाम हो गई है, पूरा शाम का मज़ा ले लिया हम लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ, तो चाय वगैरह कुछ पियेंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो गाइस देखिए हम लोग अभी गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर ले रहे हैं मूँगफली, चना और पता नहीं क्या क्या ले रही है, और काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये खाने के लिए। गाइस देखिए हम लोग समुद्र के किनारे बैठ चुके हैं, और देखिए पीछे पूरा समुद्र आपको दिख रहा है, और देखिए उस तरफ गेटवे ऑफ इंडिया है, बिकॉज गेटवे ऑफ इंडिया से आप लोगों ने बताया मैंने बाहर निकल चुका हूँ, ये समुद्र है। और हम लोग खा रहे हैं अभी, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, चना, बादाम और क्या था, चना चूर। ये चीज़ तीन चीज़ हम लोग खा रहे हैं अभी, और समुंदर के हवाओं का मज़ा ले रहे हैं। कितनी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, ठंडा ठंडा, और हमारे सामने ही पूरा ताजमहल होटल है, आपको दिखाता हूँ घूम के। ये देखिए गाइस ताजमहल होटल हमारे पीछे है, और इधर से करेंगे तो सामने हो जाएगा। तो चलिए खूबसूरत वादियों का मज़ा ले लेते हैं, हवाओं का मज़ा ले लेते हैं। मीनाक्षी तो अपने खाने में लगी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। तुम काफ़ी हो बोलने के लिए। अच्छा हम काफ़ी हो बोलने के लिए, तुम्हें भी तो बोलना चाहिए ना, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। आई नो इट्स नॉट फर्स्ट टाइम बट आफ्टर लॉन्ग टाइम, बट कैसा लग रहा है। हाँ चाय दो गाइस, अभी चाय पीने का टाइम हो गया है, चना चूर खाने वाली है, ये चाय बना रहे हैं। हाँ मैडम, नहीं एक ही, ओके चाय चाय। तो गाइस देखिए मैं अपना चाय भी पी चुका हूँ, देखिए अभी चाय भाई पी लेंगे फिर उसके बाद घर चलेंगे। हे गाइस तो फाइनली बैक होम, अभी जा रहा हूँ मैं शावर करने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रहा है बाहर यार, इतनी ज़्यादा गर्मी है बॉम्बे में, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो पूरा पसीना पसीना हो रखा है। तो जा रहा हूँ शावर करने के लिए, और शावर करने के बाद गाइस पे मैं डिनर करूँगा, और चलिए ब्लॉग को मैं ही खत्म करता हूँ। आप बताइए कमेंट में ब्लॉग को कैसा लगा, अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गुड नाइट। Through my shadow, through the sun rays.